के लिए स्कॉर्पियो एम हॉक गाड़ी आई है। इसमें कस्टमर का कंसर्न है कि इसमें एसी का एयर फ्लो कम है, तो अपन इसका फ़िल्टर भी खोल के देखे, फ़िल्टर नेट वाला दिया जिससे हल्का डस्ट इसके कूलिंग कॉइल में जा सकता है, तो इसमें हवा का फ्लो बहुत कम है, मैंने भी चेक किया। अब तो इसका कूलिंग कॉइल सर्विसिंग के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा और कैसे खोलना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसमें दो पार्ट में आएगा, ये यहाँ से पूरे स्टीयरिंग कवर मीटर, ये कंसोल म्यूज़िक सिस्टम वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग से आएगा, नीचे वाला हिस्सा अलग से आएगा। एक एक करके खोल के आपको दिखाते हैं पूरा कि कैसे कैसे खोलना है। दोस्तों डैशबोर्ड खोलने के लिए इसका स्टीयरिंग बाहर करना पड़ेगा, 17 नंबर का नट लेगा। फिर इसमें एयरबैग सिस्टम लगा था, क्लॉक स्प्रिंग खोल चुके हैं, इसकी वायरिंग खोल चुके हैं। ये कवर निकालने के लिए इसका स्टीयरिंग का ये 13 नंबर दोनों ढीला कर लेंगे ताकि ये आसानी से ऐसा निकल जाएगा। अब उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन स्विच खोलेंगे, मीटर खोलेंगे, फिर ये पैनल खोलेंगे। उधर का पैनल खुल चुका है, लोगों को खोल दिए। फिर ये म्यूजिक सिस्टम वाला पैनल खोलेंगे। देखिए दोस्तों साइड खोल चुके, मीटर खोल चुके अपन इसका। यहाँ 10 नंबर 4 बोल्ट दिया, इसको खोलने के बाद ये स्टीरियो सिस्टम खोलने से ये अलग से आएगा, फर्स्ट ये आएगा, फिर सेकंड ये आएगा। प्लेयर का 4 स्क्रू खोल के प्लेयर बबाहर करेंगे। एसी स्विच का 4 स्क्रू खोल के इसको बैक पीछे ही कर देंगे, साथ में इसका वायरिंग डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, ये कंप्लीट एसी के हैचबैक के साथ बाहर आएगा। देखिए दोस्तों ऊपर वाला इसका डैशबोर्ड पैनल बाहर हो चुका है, अब नीचे वाला खुलेगा। नीचे वाला खोलने के लिए ये गियर वाला जो पैनल नीचे से 10 नंबर खोलने के बाद इसको साइड कर देंगे, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसको खोलने के लिए लॉक दिया है नीचे, 2 10 नंबर ये लॉक दिया है, उधर भी सेम 2 10 नंबर लॉक, इसको बाहर करेंगे। देखिए इसकी वायरिंग सब खुल चुके हैं, इम्बुलाइजर की वायरिंग, स्विच की वायरिंग, उसके बाद ये पैनल बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये इसको थोड़ा बाहर करें, यहाँ पर लॉक लगा हुआ ना, देखो उधर भी एक लॉक है। देखिए दोस्तों आराम से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद इसका एसी हैचबैक खोलने के लिए इसका लोहा पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद इसका एसी हैचबैक आएगा अलग से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका लोहा खोलने के लिए इसका एसी डक्ट जो यहाँ लगे रहता है उसको खोल लेंगे। यहाँ स्क्रू टाइट रहता है 1 और 2, थोड़ा सा मुश्किल है, मगर खुल जाता है नीचे से ही, नीचे से निकलेगा, यहाँ से अंदर से। उधर का भी सेम निकाल लेंगे एसी डक्ट। और उसके बाद इसका 13 नंबर यहाँ साइड में नट देता है बोल्ट, वो खोलेंगे। इसकी वायरिंग कपलर जो इस लोहे से लगा होगा उसको पूरे बाहर कर देंगे। नीचे भी यहाँ 13 नंबर देता है, उस साइड भी सेम। और इसका अर्थिंग देगा पीछे में, उसको भी खोल लेंगे। यहाँ पर अर्थिंग देगा दोनों तरफ, उसको भी खोल लेंगे। देखिए दोस्तों सब नट बोल्ट खोल चुके हैं, यहाँ 10 नंबर 2 बोल्ट खोल लिए हैं, यहाँ 13 नंबर खोल लिया। और इधर की पूरी वायरिंग जो इस लोहे के साथ में आएगा उसकी पूरी वायरिंग खोलना है, और जस्ट उसी साइड उधर भी खोलना है अर्थिंग। यहाँ पर एक अर्थिंग देगा, उससे उस साइड भी अर्थिंग देते हैं, उसको भी खोलना है। इस तरह का भी थोड़ा वायरिंग खोल देंगे, ये भी वायरिंग है जो इस लोहे के साथ आएगा, पूरा चीज़ खोल देंगे। देखिए दोस्तों इसका लोहा बाहर आ चुका है, इसको पूरा बाहर करेंगे, फिर एसी का डक्ट खोलेंगे। इसका एसी डक खोलने के लिए यहाँ 4 स्क्रू देता है, वो खोल लेंगे। 10 नंबर ये, 13 नंबर इधर दिया, ऊपर नीचे सेम उस साइड भी दिया, और बाहर का दिखाते हैं आपको। बाहर से इसका हीटर पाइप का दोनों जॉइंट खोल लेंगे, और एसी का दोनों पाइप खोल लेंगे। इतना खोलने के बाद इसका हैचबैक बाहर कर लेंगे। इसका एसी हैचबैक बाहर करने के लिए ये पैनल खोलना पड़ेगा, ये बीच वाला पैनल। ये क्या है, इसमें टिकता है इसलिए दिक्कत जाता है, डिस्टेंस नहीं मिल पाता, इसलिए इसको खोलना पड़ेगा। लॉक देगा और यहाँ स्टार वाला 1 स्क्रू पीछे में, इसके बाद इसलिए निकल जाएगा। इसका यूनिट बाहर आ चुका है, अब इसका कूलिंग कॉइल बाहर निकाल के चेक कराते हैं। ये शटर एडजस्टमेंट का ये मोटा रहता है, जिसको आराम से खोलना पड़ता है फिटिंग करने के समय।
तक बाहर करेंगे इसके पूरे स्टार वाले स्क्रू दोनों साइड चारों तरफ दिए इस तरह बाहर आ जा रही है। अब इसका हीटर वाला ये खोल के फिर कूलिंग कॉइल बाहर करेंगे। देखिए सब खुल चुका है, अब इसका कूलिंग कॉइल ऐसे ऊपर से बाहर आएगा, ये कूलिंग कॉइल इसका बाहर आया। देखिए इसमें कितना डस्ट लगा हुआ है जिसके नाम से हवा का फ्लो कम था। आइए इसको सर्विस करके लगाते हैं। देखिए दोस्तों गाड़ी कंप्लीट हो चुका है, जैसे खोले थे वैसे प्रॉपर फिट कर चुके हैं। अब इसको स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं इसका हवा का फ्लो। इग्निशन स्विच ऑन, न्यूट्रल, गाड़ी स्टार्ट, एसी। देखिए दोस्तों अब इसका हवा का फ्लो बहुत तेज़ हो गया, पहले यहीं तक इसका हवा था अब यहाँ पीछे तक आ रहा हुआ। तो कूलिंग कॉइल से ये होता है कूलिंग बढ़ जाता है और हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत दिन तक यूज़ करने के बाद इसमें डस्ट जम जाता है, इसलिए कूलिंग कॉइल सर्विसिंग करना कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है। इसमें फ़िल्टर नहीं रहता, नेट वाला फ़िल्टर रहता है उसके लिए ज़्यादा प्रॉपर, जिसमें कागज़ वाला फ़िल्टर रहता है उसके लिए फ़िल्टर चेंज कराने से ही काम चल जाता है।